सकता हूँ? मुझे पता चला कि नसीब है दुश्मना, आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। क्या हुआ मैडम, तबीयत कैसे खराब हो गई आपकी? तुम अभी और इसी वक्त मेरे कमरे से बाहर निकल जाओ, वरना 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 क्या करोगी? चीखोगी, चिल्लाओगी, सबको बुलाओगी, क्या कहोगी? मैंने क्या किया तुम्हारे साथ? कुछ भी तो नहीं। और वैसे भी तुम्हारे कमरे में बगैर इजाजत के नहीं है। अंकल से इजाजत लेकर फरीद को पता कर, क्या करोगी तुम मेरा? हाँ, कुछ भी नहीं कर सकती। तुम जो ये गंदा खेल खेल रही हो ना, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा राही। और तुम्हें बता रही हूँ, मुझे बुजदिल मत समझना। मैं अपनी इज्जत पर कोई आंच नहीं आने दूंगी। बेहतर यह है कि अपनी गंदी सोच लेकर मेरे कमरे से दफा हो जाओ। ओह, मैं तो डर। अरे राहिल, तुम खड़े क्यों, बैठो ना। हाँ वलीद भाई, एक्चुअली भाभी ने मुझे बैठने के लिए ऑफर ही नहीं किया, और वैसे भी किसी और के कमरे में बगैर इजाजत आना सख्त मायूब था। आपने मुझे कहा कि जाके उरूसा से डायरेक्ट तबीयत पूछ लो, तो इसलिए आ गया। एनीवेज, थैंक यू भाभी। क्या हुआ उरूसा? आप जानते हैं ना, आप जानते हैं किस तरह का इंसान है, इंतहा आवारा, बल्कि इसके बावजूद। देखो उरूसा, जो कुछ था ना वो उसका माजी था। अब वो बीनी का शौहर है और वो बीनी की पसंद है, हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। मैं भी कर रहा हूँ ना, वरना उरूसा सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। प्लीज, अब वो हमारा फैमिली मेंबर है। अपने दिमाग से सारी वो बातें निकाल दो जो तुम्हें उसके बारे में बताती। राहिल को अपने नए रिश्ते के हिसाब से देखो, वो भी कोशिश कर रहा है ना अपने आप को सेट करने की। क्या करें, हमारी मजबूरी है, इसी तरह एडजस्ट करना पड़ेगा, वरना सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। देखो बीनी की वजह से ये सब हमें करना पड़ेगा ना। मैं आता हूँ, देखूँ ये लोग क्या कर रहे हैं। क्या करोगी तुम मेरा? हाँ, कुछ भी नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं।